नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी पैरों से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम और ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो स्कॉर्पियो और उनके पर्सन हैं उनकी एक दूसरे के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनके स्कॉर्पियो को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो उनके बारे में क्या फीलिंग्स कर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इसमें किसी की मदद भी लेनी पड़ी और काम बनता है तो उन्हें उसमें शर्माना नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। वो स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो को इसमें अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, टीम एफर्ट, टीम वर्क करना चाहिए ताकि रिश्ता एक हो सके, या फिर वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर सकते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एनर्जी डालनी चाहिए, अपना एफर्ट लगाना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट एंड किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अपना अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, या फिर उनके जो नॉन पर्सन हैं उनकी मदद ले सकते हैं। अगर वो उनकी मदद ले लेते हैं तो इस रिश्ते में एक छोटी सी अगर बिगनिंग रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके, समय लगेगा, वक्त लगेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला काम होगा, तो ये रिश्ता लेकिन आगे ज़रूर बढ़ेगा और ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है। फिर से वही खुशियां, वही प्यार इस रिश्ते में हो सकता है अगर वो डिटरमिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना रुके हुए लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, इसमें गिव अप नहीं करेंगे, स्टैंड लेंगे, तो ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है और ये रिश्ता, इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, खुशियां आ सकती हैं, प्यार मोहब्बत हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है अगर इसमें अपनी टीम एफर्ट, टीम एनर्जी लगाएंगे और किसी बड़े बुजुर्ग की या किसी सलाहकार की या जो ऑलरेडी इस रिश्ते के बारे में जानते हैं उनकी मदद लेकर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो सारी चीज़ें पहले की तरह खुशियों भरी हो सकती है। तो देख लेते हैं कि स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, स्कॉर्पियो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। जजमेंट, वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। उनको लगता है, वो महसूस कर रहे हैं, अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है और एक फैमिली, एक परिवार इस रिश्ते को बनाया जाता है तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ हो सकती हैं, सहनाइयाँ बच सकती हैं, अगर इसमें गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएँ, ज़्यादा जजमेंटल ना बनाया जाए, पुरानी बातों को ना दोहराया जाए, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक फैमिली, एक परिवार ये रिश्ता बन सकता है। इस रिश्ते को वो एक मौका और देने के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के लिए वो फॉरगिव करना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट को। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो
जो स्कॉर्पियो हैं वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो वाद विवाद है, जो झगड़ा है, एंजाइटी स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, अगर उनको ख़त्म कर दिया जाता है और जो इस रिश्ते में जो एक दूसरे के प्रति वाद विवाद रहा है, जो ये रिश्ता एक नहीं पा रहा हो पा रहा है, तो या तो स्कॉर्पियो इसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं या उनके पर्सन भरोसा नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि दोनों तरफ से ही खुलकर बातें ना हो रही हो, और अगर हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस एंजाइटी, क्योंकि ये जो बंधन है उनका खुद का बनाया हुआ है, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आँखों से पट्टियाँ खोलते हुए इस बंधन से मुक्त होकर वो आमने सामने इस लड़ाई झगड़े, इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस वाद विवाद से बाहर निकल आते हैं और एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो सकती हैं और ये रिश्ता दोबारा से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, प्रिपेयर हो सकता है रिश्ता, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकता है रिश्ता। तो वो इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल करें और फिर इस रिश्ते में जो वाद विवाद, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करें और करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि अगर आमने सामने खुलकर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो इन चीज़ों को सुलझा जा सकता है और एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो एक दूसरे से चाहते क्या हैं। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो जिन चीज़ों से परेशानियां हो रही हैं, दुविधा हो रही है, एंजाइटी स्ट्रेस मिल रहा है, उन पर भरोसा नहीं किया जा रहा, बिलीव नहीं किया जा रहा, उन उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उन बातों को, उन सब चीज़ों को वो छोड़ कर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इसमें ही फंसे रहे तो वाद विवाद होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो वो पीस भरी, सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो वो ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उनकी बातों को समझा जाए और दोबारा से इसको एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी, क्योंकि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं आ रही, अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है। हालांकि वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के बारे में सोच रहे थे, तो कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो या तो स्कॉर्पियो की बात उनके सामने आ गई है, कोई क्लैरिटी, कोई ऐसी बात, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छुपी हुई बात, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, या तो स्कॉर्पियो की बात उनके पर्सन के सामने आ गई है, या फिर स्कॉर्पियो को कुछ ऐसी बात पता चली है जो नहीं होनी चाहिए थी, अपने पर्सन के बारे में उनको ऐसा कुछ पता चला है, तो इस वजह से इस रिश्ते में अभी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, बैलेंस नहीं आ पा रहा है, और क्लियर कट कम्युनिकेशन जो वो चाह रहे थे, जो क्लियर कट कम्युनिकेशन, खुलकर एक दूसरे से आमने सामने क्लैरिटी चाह रहे थे, तो वो बन नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले और इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस दुविधा से वो बाहर निकल सके। तो फॉरगिव, इस रिश्ते से वो फॉरगिव करना चाहते हैं, इस रिश्ते को
सॉरी गाइस, इस रिश्ते को गिव अप करना चाहते हैं वो, और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्योंकि क्यों अभी इस रिश्ते में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, और इस रिश्ते अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा है। काफ़ी इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, गुस्से में है, टेंपर में है कि कुछ ना कुछ उनसे छिपाया गया है, कोई राज, कोई मिस्ट्री रखी गई है जो उनको नहीं छिपानी चाहिए थी, जो क्लियर होनी चाहिए थी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए था, खुल कर सामने आनी चाहिए थी, तो वो किसी और के ज़रिए, किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए शायद उनको पता चली है, तो इसलिए वो इस रिश्ते से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं। नए रिश्ते की तरफ, नए लोगों की तरफ वो रुझान करते दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि काफ़ी दुविधाएं, परेशानियां, बाधाएं इस रिश्ते से रही हैं, तो अभी के लिए उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए। उन्हें ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहिए जहां उन्हें पीस, सकुन, शांति मिले, तो सकुन की जगह पर वो जाने के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए वो नई जगह, नई सिचुएशन, नए लोगों को तलाश रहे हैं। तो स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं? स्कॉर्पियो क्योंकि इस रिश्ते से दोनों तरफ से ही एक दूसरे का दिल दुखा है, तो अब भी वो उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, अभी वो उभर नहीं पाए हैं। उनकी जो अंतरात्मा है वो रो रही है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी स्ट्रेस में है। उनको लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं उन्होंने उनको धोखा दिया है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, तो अभी वो कुछ भी सोचने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं थर्ड ऑफ थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स को कि ये क्यों आया है। स्कॉर्पियो क्यों चाहते हैं? फोर ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड टेन ऑफ कप्स। तो जो स्कॉर्पियो हैं वो अब भी बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है उनका, क्योंकि वो मुंह मोड़ कर नए रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता अभी नहीं रखना चाहते, वो ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें सकुन शांति मिले। तो इस चीज़ को लेकर जो स्कॉर्पियो हैं वो काफ़ी दुखी हैं, उनका दिल दुख रहा है, उनका मन दुख रहा है, क्योंकि अभी वो उस पर स्टक है, उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएगा, कब सारी चीज़ें ठीक होंगी, कब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो महसूस कर, वो चाहते हैं कि एक दूसरे पर बिलीव करते हुए, भरोसा करते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाए और इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, ताकि ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, खुशियों भरा हो सके, एक फैमिली, एक परिवार बन सके, और वो इस रिश्ते से खुशियां चाहते हैं। इस जो ये एंजाइटी, जो स्ट्रेस, जो दुविधा उनके पर्सन की वजह से हुई है, वो इनसे रिलैक्स करना चाहते हैं, वो स्टक हो चुके हैं, वो कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो इस पर अटके हुए हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं, काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं कि वही पर्सन उनकी लाइफ में होना चाहिए था, तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, तो वो उनको छोड़कर दूसरे दिशा की तरफ, दूसरे रास्ते की तरफ जा रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आउटकम देख लेते हैं इसका। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत वो चाहते हैं इस रिश्ते से। इसका जो आउटकम बता रहा है कि एक दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते से होती दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि बिल्कुल फ्रेंडशिप लेवल से, शुरू से इस रिश्ते को शुरू किया जाए,
उन सारी पुरानी बातों को भूला जाए जो जो जिसमें उन्हें धोखा मिला है, स्ट्रेस मिला है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला गया है या जो भी उनके साथ हुआ है, तो उन सभी चीज़ों को भुला कर, एंजाइटी स्ट्रेस को भुला कर, और एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर वो शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, पार्टीज में जाना, तो ये सारी चीज़ें वो करने के बारे में सोच रहे हैं। इसका जो आउटकम बता रहा है वो बता रहा है कि शायद इस रिश्ते में फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, शुरू से शुरू ये रिश्ता हो सकता है। उन सारी चीज़ों को भुलाकर जो एंजाइटी स्ट्रेस इस रिश्ते में दे रही थी, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि वो दोबारा से इस रिश्ते को क्यों शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है स्कॉर्पियो या फिर उनके पर्सन इस रिश्ते को, उन सारी परेशानी दुविधाओं को, एंजाइटी स्ट्रेस को भुला कर एक नए जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई खुशी के साथ, एक इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि अगर, क्योंकि इस रिश्ते में उनके साथ माइंड गेम चल रहा है, मैनिपुलेशन चल रही है, जिसकी वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो वो कोई एक जना इसमें महसूस कर रहा है कि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन चल रही है, उनकी ईगो हर्ट हो रही है और उन चीज़ों को बदला नहीं जाता जो रिश्ते में परेशानियाँ दे रही हैं, दुविधा दे रही हैं, एंजाइटी स्ट्रेस दे रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, इस रिश्ते को बींधा जा रहा है, तो तब तक इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लिया जा सकता। तो तभी इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाएगा अगर वो इस रिश्ते में, जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले उन नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को, उन बातों को, जॉब, बिजनेस, करियर को, उन सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, छोड़ने की ज़रूरत है, जो इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं दे रहे हैं, जिसकी वजह से माइंड के मैनिपुलेशन हो रहा है इस रिश्ते में। तो अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है और बजाय के तीसरे पर्सन की बातें सुनने के, अगर इस रिश्ते में एक स्टैंड ले लिया जाता है, वो इस रिश्ते में अपनों के अगेंस्ट जाकर इसमें एक स्टैंड लेते हैं, एक खड़ा होते हैं, वो उनको लगता है कि सारी चीज़ें पहले की तरह हो सकती हैं अगर इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर लिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो और एक बच्चे की एनर्जी की तरह इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है, तो इसका आउटकम अच्छा जा सकता है, फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में की जा सकती है। तो इसका आउटकम बता रहा कि सबसे पहले दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ेगा और उन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा जो इस एंजाइटी इस रिश्ते को बर्बाद कर रहे हैं, इस रिश्ते की वजह से जो ये रिश्ता ख़राब हो रहा है। तो अगर इन सिचुएशन को छोड़ देते हैं और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो भले ही चाहे शुरू में परेशानी, दुविधा हो, लेकिन आगे जाकर वही चीज़ें इनको फ़ायदा दे सकती हैं। और अगर इसमें एक स्टैंड ले लेते हैं, चाहे अपनों के विरुद्ध जाना पड़े, चाहे उनके अगेंस्ट जाना पड़े, तो चीज़ें पहले की तरह एक खुशियों में तब्दील हो सकती हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होती दिखाई दे रही है। इसका आउटकम बता रहा कि अगर स्टैंड एक दूसरे की को समझते हुए, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां दे रहे हैं, और शुरू से शुरू कर लिया जाता है इस रिश्ते को एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, भूल जाते हैं कि रिश्ता पहले भी उनके साथ था, तो एक नए सिरे से अगर शुरू कर लिया जाता है तो इसका आउटकम अच्छा जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में फिर से की जा सकती है। तो इसके जो गाइडेंस है वो देखते हैं क्या रहेगी।
यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी उलझा उलझा सा ये रिश्ता दिखाई दे रहा है, कहीं क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी क्लियर साफ स्पष्ट इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा। क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सारी सब कुछ होने के बाद भी यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से ही लगाव है, प्यार प्रेम है, तो समय रहते उन्हें इसमें एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आमने सामने खुलकर बातें करने की ज़रूरत है। और अगर इसमें वो अपनी टीम एनर्जी लगाएंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, एक दूसरे से मदद लेंगे, तो ये क्योंकि दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन आकर्षण दिखाई दे रहा है, इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देंगे, तो ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, फ्रूटफुल हो सकता है, चीयरफुल हो सकता है, काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों को बदले जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही है, और दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें, क्योंकि इससे अगर अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार सकता है। तो इसलिए यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जो इस रिश्ते में जो एडिक्शन है, उन चीज़ों को आमने सामने खुलकर बातें कर ली जाएंगी अगर, तो उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, और आपस में एक दूसरे से मदद लेते हुए अगर इसमें टीम एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, तो ये रिश्ता काफ़ी खुशियों में तब्दील हो सकता है, पहले जैसा ये रिश्ता हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, नमस्ते, थैंक यू सो मच।